हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी एंड डेमो शेयर करूंगी। तो आउटर पैकेजिंग देख सकती हो आप, इस तरह की आउटर पैकेजिंग में मैंने इसे परचेज किया है। आप इसे किसी भी लोकल मार्केट से ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिलती है, बट बड़ा वाला पैक मिलेगा। ऑफलाइन आप इसे किसी भी लोकल मार्केट से इसका पाउच परचेज कर सकते हो। ओनली 10 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 300-400 तक आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। गाइज, ये डे क्रीम है, नॉर्मल स्किन वालों के लिए है। ये स्पॉटलेस फेयरनेस क्रीम है, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ओनली 10 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, तो गाइज बर्थ ऑफ मनी है। तो गाइज, पॉन्ड्स के प्रोडक्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप मॉइस्चराइजर, स्किन क्रीम, फेस वॉश, तो काफ़ी सारी रेंज है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हो। तो गाइस, इसे आप किसी भी लोकल मार्केट से ले सकते हो एंड पैकेजिंग तो ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे बाय कर सकते हो। तो इसे मैं आपको अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ये किस तरह की क्रीम है। सो गाइज, मैंने इसे अंदर से ओपन कर लिया है एंड अंदर से आप देख सकते हो इस तरह की ट्यूब फॉर्म में ये क्रीम आती है एंड काफ़ी प्यारी पैकेजिंग लगी मुझे ये। तो गाइज, इसके शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो आप देख सकते हो आपको इसमें 1 ईयर की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। बट गाइज, इसे मैंने अभी 10 दिन हुए रिसीव परचेज की हुई को एंड मैंने इसकी शेल्फ लाइफ नहीं देखी, तो जुलाई की इसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायरी हो चुकी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही मैंने इस क्रीम को परचेज किया, तो उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी में लिया था, तो ध्यान नहीं रख पाई कि मैंने एक्सपायरी क्रीम ही परचेज कर ली है। तो आज जब मैं वीडियो लगी बनाने, तब मैंने देखा कि ये तो एक्सपायरी डेट हो चुकी है। तो गाइज, यही फ़ायदा होता है, जैसे ये 10 रुपये की क्रीम है, तो केवल क्या होता है कि सपोज अगर मैंने 400-500 की कोई क्रीम ली होती एंड अगर उसकी 10 दिन बाद मैं उसकी शेल्फ लाइफ वगैरह देखती, तो ऑब्वियसली कोई भी जो दुकानदार है वो रिटर्न नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, हमेशा उसकी शेल्फ लाइफ जरूर चेक कर लेनी है। मैंने तो गलती कर दी इसे लेके एंड अब तो मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे कट कर दिया एंड कोई भी दुकानदार रिटर्न नहीं करेगा इतने टाइम बाद, क्योंकि इसे 10 दिन हो गए इसे क्रीम को ली हुई को। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ वगैरह चेक कर लिया करो। तो इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो 7 ग्राम है। तो इसके बैक में इन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताई हुई हैं, तो इसके आपको आउटर कवर में भी मिल जाएगी इसकी स्पेसिफिकेशंस एंड जो ये क्रीम है तो इसमें भी आपको सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ उन्होंने क्या क्या क्लेम किया है। गाइस, इसमें इन्होंने बोला है कि ये मैट फिनिशिंग देता है ऑल डे के लिए एंड गाइस, ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए क्रीम है। इसमें डबल लाइटनिंग फॉर्मूला है विद एडवांस विटामिन B3+ है इसमें, जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करता है, हेल्प करता है। एंड गाइस, इसमें नेचुरल लाइटनिंग फॉर्मूला है जो कि आपको डीप इनसाइड आपकी स्किन को लाइटन अप करता है। इस यह क्लिनिकली प्रूवन है, आपके फेस पे जितनी भी डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें ये फेड अवे करता है, स्पॉटलेस करता है आपकी स्किन को एंड फेयर बनाता है आउटसाइड से। ओके, इसमें इन्होंने बोला है कि ये जिस टाइम आप इसे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको उस तरह से करना है जिस तरह से आप कोई नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हो। इसमें इन्होंने बोला है कि आपको पर साइज अमाउंट लेना है एंड क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। गाइस, जरूरी नहीं कि ये क्रीम है तो भी आपको अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। कोई भी क्रीम हो, कोई भी मॉइस्चराइजर हो, टोनर हो, हमेशा आपको क्लीन फेस पर ही अप्लाई करना होता है। फॉर पैट रिजल्ट के लिए आपको इसे एवरीडे मॉर्निंग में इसे यूज़ करना है। एंड जो ये पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी क्रीम है, ये आपके फेस को एकदम से क्लियर करती है एंड एकदम से आपकी स्किन को बूस्ट करती है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपको इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पर स्टोर करना है एंड जिस टाइम आप इस क्रीम को परचेज करते हो, जिस टाइम भी आप इस क्रीम को लोगे, तो आपको जो इसका कवर है इसके साथ ही इसे लेना है, विदाउट कवर के इसे बाय नहीं करना है इन्होंने। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने बोला है कि डू नॉट बाय विदाउट आउटर कवर, कि इसके आउटर कवर के विदाउट इसे आपको बाय नहीं करना है। सो इसमें इन्होंने वार्निंग क्या दी है, तो गाइस इसमें इन्होंने बोला है कि आपको ज़्यादा देर, जिस टाइम आप इस क्रीम को अप्लाई कर लेते हो तो आपको सन में ज़्यादा देर नहीं रहना है। एंड गाइस, जस्ट अगर आप ज़्यादा सन में रहते भी हो तो आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है। तो गाइस, जरूरी नहीं अगर आप इस क्रीम को अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो उससे पहले आपको हमेशा सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। सो इसमें इन्होंने बोला है, तो गाइस नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि इन केस अगर आपको इरिटेशन हो जाती है, होता है ना केवल हमें कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, अगर आपको रिएक्शन
कर जाता है वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपको कंसल्ट कर लेना है डॉक्टर से। एंड गाइस, आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, एंड इसे आपको नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, जैसे भी आप रूम में रखते हो। तो इस तरह का है ये। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो देख सकते हो, 7 ग्राम, आपको 10 रुपीज़ में 7 ग्राम क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ये क्लिनिकली प्रूवन है एंड आपकी स्किन को लुक ब्यूटीफुल बना देता है, एंड दिन में भी एंड दिन के बाद भी। तो इस तरह का है ये। तो इसमें आपको अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ये किस तरह की क्रीम है ये। इसका मैं आपको डेमो अपने फेस पर अप्लाई करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप देख सकती हूँ मैंने इसे एक्सपायरी डेट वाला ही परचेज़ कर लिया है। तो मैं इसे आज आपको हैंड पर इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी, बट मैं इसे दोबारा फिर परचेज़ करूंगी शेल्फ लाइफ देख कर। तो गाइस, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड पोंड्स के प्रोडक्ट्स तो आपको पता है ये कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर मैंने इसे दोबारा परचेज़ किया तो मैं आपको अपने फेस पर इसका डेमो जरूर दिखाऊंगी, बट आज मैं आपको इसका डेमो नहीं दिखा सकती हूँ। तो इसे मैं आपको अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इधर से आप इसे ओपन कर सकती हूँ, एंड सी गाइस, वाइट फॉर्म में है। एंड फ्रेग्रेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। तो इसे मैं ब्लेंड करके दिखाती हूँ। सी गाइस, बिल्कुल जिस तरह से कोई मॉइस्चराइज़र होता है उस तरह की है ये। इसके लिए आपको अलग से मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो रही है एंड बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो रही है। सी गाइस, काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो रही है एंड ऑब्जर्व भी एकदम से होगी। आपने देखा होगा कि कई क्रीम वाइट कास्ट छोड़ती है, इसने बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ी है। आपने देखा होगा कि जो फेयर लवली की क्रीम होती है वो थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ देती है, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे से ये ऑब्जर्व हो गई है। तो आप इससे अपना फुल मेकअप कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने क्लेम किया है कि ऑल डे रहती है। ऑल डे का तो मुझे पता नहीं है कि रहती कि नहीं, बट गाइस ये काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो गई है एंड आप देख सकते हो। सो अगर आप इससे गाइस आप कॉम्पैक्ट वगैरह लगा के अपना डे भर का मेकअप कर सकते हो, तो इस क्रीम से आप वन वीक तक अपना मेकअप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी क्रीम है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये है। इसमें 7 ग्राम क्वांटिटी गाइस काफ़ी है, क्योंकि हम थोड़ी सी तो अप्लाई करनी होती है फेस पर। तो आप इसे कॉम्पैक्ट वगैरह से सेट करके अच्छे से इससे अपना मेकअप कर सकते हो। तो फ्रेग्रेंस की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग फ्रेग्रेंस है एंड ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, तो काफ़ी अच्छी है एंड वर्थ ऑफ मनी है। तो 10 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी क्रीम मिल रही है तो गाइस बेस्ट है, क्योंकि पोंड्स के प्रोडक्ट तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो गाइस आप इसे बाय कर सकते हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे बाय कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ट्राई करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वाइट ब्यूटी क्रीम है एंड स्पॉटलेस। तो आप 1 वीक तक ट्राई करना, एंड मैं भी ट्राई करूँगी दोबारा इसे लेके कि ये स्पॉटलेस कि आपके फेस पे जितनी भी स्पॉट्स हैं उन्हें कवर करती है या नहीं। तो अगर मैंने इसे दोबारा परचेज़ किया तो मैं आपके साथ जरूर इसका दोबारा रिव्यू शेयर करूँगी यूज़ करने के बाद। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, एंड इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।